أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويُعلِّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه

व <coughs> रसूला बनी इसराइल और रसूल बना कर भेजेगा बनी इसराइल की जानब अन्नी क़दजि तो कम ये ईसा का कलाम है अन क़दज तो कम बेश मैं तुम्हारे पास लाया हूँ बैतम मबी कम तुम्हारे रब की जानिब से निशानी को अन्नी बेशक मैं अख्लकूलकम बनाता हूँ तुम्हारे लिए तीनी गारे से तीन मट्टी को कहा जाता है मट्टी से गारा बनाया जाता है गारे से चीज़ों को वजूद मिलता है तो तुम्हारे लिए मैं गारे से चीज़ें बनाता हूँ कहई अति तर जैसे कि परिंदे की शक्ल फान फु ही फिर मैं उसमें फूक मारता हूँ फ़यकूनु तयरा तो वो परिंदा बन जाता है बज़नल्ला अल्लाह के हुक्म से व्यलाकम वअ अबरासा, और मैं अच्छा कर देता हूँ मादरज़ाद अंधे को और बर्स वालों को जो माँ के पेट से अंधे पैदा होते हैं मैं उनको बीना कर देता हूँ आँखें लौटा देता हूँ और बर्स वालों को भी शिफा देता हूँ व उहयिल मौता, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म के साथ व उनब बी उकुम बी माता कुलून और मैं तुम्हें उस बात की ख़बर देता हूँ जो तुम खा के आते हो व मा फ़ी बूती और उस बात का भी इल्म है मेरे पास कि तुम्हारे घरों के अंदर क्या चीज़ महफूज़ है जो चीज़ ज़ख़ीरा है मैं वो भी बता देता हूँ इन्फ़ी ज़ालिका ल लकुम इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है इन कुन तुम मुमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो वह मुसदल्लिमा बीना यह और मैं तस्दीक करने वाला हूँ उस चीज़ की जो मुझसे पहले नाजिल हुई मिनत तौरात तौरात में से तौरात का जो हिस्सा मुझसे पहले नाजिल हुआ मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ लकुम और मैं तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ बाज़ी बाज़ वो चीज़ें हुर्रिमा अलैकुम जो तुम्हारे ऊपर हराम की गई थी तोरात की तलीमत के मुताबिक कुछ चीज़ें जो तुम्हारे ऊपर हराम की गई थी मैं वो तुम्हारे लिए हलाल करने वाला हूँ वज तो भी आयतन और मैं तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ मैं रब तुम्हारे रब की जानिब से फतकुल्ला तो तुम अल्लाह से डरो व वातयूनी और मेरी इताअत करो रब्बी रब्बुकुम अल्लाह ताला तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है फाहबू तो हम फिर उसी की इबादत करते हैं हाजा जासे मुस्तकीम यही ये ही सीधा रास्ता है पिछले सबक में मैंने आपके सामने ये बात बयान की थी आपने ये बात सुनी होगी कि हज़रत जब्राई सलाम तशरीफ लाए मलाइक़ा की जमात के साथ और उन्होंने हज़रत मरियम आलम को हजरत ईसा हज़रतम की ईसा ईसीम की खुशखबरी सुनाई तो आगे से हज़रत मरियम ने यह जवाब दिया कि भी मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा मुझे तो किसी बशर ने हाथ ही नहीं लगाया तो जब्राई सलाम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसी हालत में बचा देंगे और अल्लाह के लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं है वो तुम्हें बचा इनायत फरमाएंगे तो अल्लाह ताला ने फिर सलाम की पैदाइश करके दिखलाई अब जब सलाम की विलादत हुई पैदाइश हुई तो ईसा सलाम ने कलाम भी किया जिसका मैंने तस्करा भी आपके सामने किया था सूरह मरियम के हवाले से लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने जो बात बयान फ़रमाई वो ये है किताब कि वो बच्चा जो तुम्हें अल्लाह ताला इनायत फरमाएंगे वो अल्लाह ताला की किताब की तालीम देगा वो ऐसा बच्चा होगा जो का इल्म सिखलाएगा उसके पास वही इलाही का इल्म होगा मसला यहाँ पे ये है कि किताब से मुराद कौन सी किताब है तो मुफ़्रन कराम की एक तफसीर तो ये है कि यहाँ किताब से लिखना मुराद है कि सलाम लिखना पढ़ना सीख नबी करीम से पहले जितने भी पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं ना वो सब के सब लिखना पढ़ना जानते थे ये सिर्फ़ नबी करीम वसल्लम की सफ़त है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम उम्मी हैं यह तबन रसूल आराफ के अल्फाज हैं नबील यह नबी करीम वसल्लम की सिफ है किसी और नबी की ये सफत नहीं है नबी करीम बारे में आता है वाला तोहुबीनिक वो अपने दाएं हाथ से नहीं लिखते थे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो एक तफसीर तो ये है कि ईसा सलाम को अल्लाह ताला लिखना पढ़ना सिखलाएंगे वो आगे लोगों को सिखाएंगे लिखने की तालीम देंगे दानाई की तालीम देंगे हमत की तालीम देंगे लेकिन बाद में फसल फरमाते हैं किताब से यहाँ मुराद है क़ुरान करीम हमत से यहाँ मुराद है नबी करीम वसल्लम की सुन्नत, नबी करीम वसल्लम की अहदीस ईसी किताबुल्ल की क़ुर करीम की और सन्नत रसूलुल्लाह की तालीम देंगे क्योंकि इस्लाम का इजमायी अकीदा है सारे के सारे मुसलमानों का मुतफ़ा अकीदा है क़रन करीम की आयात और अहदीस मुतवा इस पर मौजूद हैं कि ईसीम ज़िंद आसमानों पर मौजूद हैं कयामत से पहले ज़मीन पर नाजिल होंगे चालीस साल तक इस उम्मत पर हुक्मरानी करेंगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करेंगे तो क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करने के लिए ज़रूरी है ना कि किताबुल्ला और सुन्नत रसूलुल्लाह का इल्म भी आए इल्म ना हो तो फ़ैसला कैसे करेंगे तो उनको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का इल्म दिया गया है वहीमुलताबुलम ये इल्म उनके पास मौजूद होगा तभी वो ऐसे फैसले कर सकेंगे समझ में आई खुद भी इसी इलम के मुताबिक अमल करेंगे जो शरीयत इस्लामिया का इल्म है और लोगों के फैसले भी इसी शरीयत के मुताबिक करेंगे अपना इलम भी हजरत ईसा सलाम का इसी शरीयत के मुताबिक होगा क्योंकि बनी इसराइल पर तो दो नमाज़ें फ़र्ज थीं वो दो नमाज़ें पढ़ा करते थे तो फिर बास बनी इसराइल के मुक़ल्लिदीन, उनके ताबेदार उनकी इतबा करने वाले ऐसे भी आए जिन्होंने तीन नमाज़ें निकाल ली एक बढ़ा ली उन्होंने लेकिन मुसलमानों की नमाज़ें कितनी हैं पाँच पाँच नमाजें हैं ना? तो ईसा लाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो ख़ुद भी पाँच पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे भी पांच लोग उनकी इक्तदा में नमाज़ें भी पढ़ेंगे इमामत भी करवाएंगे तो जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं ऐसे ही वो नमाज़ पढ़ेंगे और पांच पढ़ेंगे समझ में गई बात तो ये है वल्किताबुलम किताबुल्ल और सुन्नत रसूलुल्लाह का इल्म उनको सिखलाया गया है बताया गया है वो आएंगे उसके मुताबिक ख़ुद भी अमल करेंगे लोगों के फ़ैसले भी इसी के मुताबिक करेंगे ईसा सलाम की पहली नमाज़ फ़जर की नमाज़ होगी दिमश की जाम मस्जिद जिसे उमवी मस्जिद भी कहा जाता है वहाँ पर मुसलमान सुबह की नमाज़ की तैयारी कर रहे होंगे हज़रत इमाम महदी मुसल इमामत पर खड़े होंगे तकबीर हो रही होगी पीछे से आवाज़ें आएंगी न जलाई सब मरियम वो देखो ईसा बिन मरियम आ गए मुसलमानों को तो पता है ना आएंगे तो कोई देखने वाला मीनार की तरफ़ देख रहा होगा कि ईसा सलाम वहाँ से उतरते हुए उसको दिखाई देंगे रिवायात के अंदर आता है फ़रिश्तों के कंधों पर बाज़ू लटकाए हुए होंगे जैसे इंसान चौधरीों की तरह नहीं बैठता बाजू इधर उधर अटका के आराम से बाज़ू फैला के बैठा हुआ होता है ऐसे ईसा सलाम तशरीफ़ लाएंगे बहुत बुलंद मकाम है उनका समझ में आ रही है बात तो नाजिल होंगे इमाम महदी का मकाम भी बहुत बुलंदोबाल है लेकिन ये बात समझें इमाम महदी का मकाम इतना बुलंदों वाला है इतना बुलंदों वाला है लेकिन किसी सहाबी के मकाम तक वो फिर भी नहीं पहुंच सकते किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते अब जब इमाम महदी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते तो नबी के दर्जे को कैसे पहुंच सकते हैं नबी के दर्जे को पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते ना क्योंकि पैगंबर पैगंबर होता है तो इमाम महदी की इकतदा में ईसी सलाम नमाज़ पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक मामला होगा महदी पीछे हटेंगे पीछे हटने की कोशिश करेंगे हदीसे पाक में आता है सलाम उनके कंधे पर हाथ रख के कहेंगे कि तुम नमाज़ पढ़ाओ मैंने तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़नी है तो सलाम पहली नमाज फ़जर इमाम महदी के पीछे पढ़ेंगे दिमश की जाम मस्जिद उमवी में पढ़ेंगे फिर यही हज़रत ईसी सलाम है जो मुसलमानों को बाकी नमाज़ें पढ़ाएंगे पहली नमाज इमाम महदी के पीछे पढ़नी है बाद में ख़ुद पढ़ेंगे तो यही कुरान करीम में अल्ल तरमाया बायुआलिम किताबिकमा अल्लाह ताला ने उनको दानाई की दानाई का इलम भी दिया किताब का इलम भी दिया या देगा ये तर्जुमा भी है दे दिया या देगा बहर हाल जब नाजिल होंगे तो पढ़ने के लिए मदरसे नहीं जाएंगे इलम पहले ही मौजूद होगा आसमान पे तालीम के हल्के लगते हैं शायद अल्लाह ताला वहाँ उनको इलम दे दें या अल्लाह तु पोशीदा बात नहीं है वही है इलाही के ज़रिए जैसे अम्बिया की तालीम फ़रमाते हैं तो वैसे भी मामला हो सकते हैं तो ये अल्लाह ताला का निजाम है जैसे भी वो चलाएं बहरहाल हमें कोई उलझन नहीं होगी कि ईसा को मसला नहीं आता समझ में आई है जो ईसा असली होंगे उनके बारे में हमें उलझन नहीं है कि उनको मसाइल नहीं आते होंगे कि कहीं वो ईसाइयों के मुताबिक फैसला ना कर दें हमारे ईसा जो आसमान से आएंगे उनके पास किताबुल्लह और सुनत रसूलुल्लाह का इल्म होगा। वो जो भी फ़ैसला करेंगे वो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक होगा इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं परेशान वो लोग हों जिन्होंने नकली ईसा बनाए फिर उनको शुभ भी पड़े कि ईसा का ये फ़ैसला गलत हो गया समझ में आई है बात वो लोग परेशान हों तो बात समझ भी आती है हमारे ईसा तो असली ईसा हैं ना वो तो नकली तो नहीं है तो उनकी तालीमत भी असली हैं जो तो इस्लामी तालीमत होंगी उसी के मुताबिक वो फैसला करेंगे तो बहर हाल, अल्लाह ताला उनको किताबुल्ला का इलम भी देगा फिर तौरात और इंजील का इलम तो पहले ही उनके पास मौजूद है तौरात मूसा सलाम की अल्लाह ताला ने उसका इलम भी दिया इंजील खुद ईसा सलाम पर नाजिल हुई तो उसका इलम भी है क्योंकि तौरात मरकज़ी किताब है बनी इसराइल की और बड़ी जाम माने किताब है आसमानी किताबों में क़र करीम के बाद तौरात का मकाम और मरतबा बहुत बुलंद है इंजील उसी तौरात का ततिमा है ख़ुलासा आप उसको कह सकते हैं इंजील की हैसियत आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक होता है अखबार और एक होता है जमीमा जमीमा पता है आपको किसको कहते हैं तो अखबारात में खबरों की तफसीलात होती हैं जमीमे के अंदर दो चार मोटी सुर्खियाँ होती हैं और कुछ नहीं होता तो असल किताब तौरात है और इंजील उसका जमीमा है ठीक है इसको समझ लेना है आपने फिर व रसूल अला बनी इसराइल रसूल बनाकर भेजा बनी इसराइल की तरफ़ हज़रतसी को हज़रतम की रिसालत सिर्फ़ बनी इसराइल के लिए थी किसी और कौम के लिए नहीं थी हज़रतसी ने बनी इसराइल से फ़रमाया अन्नी कदज तो कम बेश मैं यकीनन तुम्हारे पास आया हूँ आया नहीं लाया हूँ क्या लाया हूँ बी आयतिम मेर मे निशानी मोजात जो तुम्हारे रब की जानिब से हैं अपनी तरफ से नहीं लाया अल्लाह ने मुझे दिए हैं क्योंकि मोजज़ा अल्लाह ताला का फ़ेल होता है नबी के हाथ पे उसका ूर होता है मुजजे में नबी की जात का कोई अमल दखल नहीं होता जिस तरह करामत में वली की जात का कोई अमल दखल नहीं होता ये मैंने बातें पहले आपके सामने अर्ज़ की थी तो आगे ईसा सलाम के मोज़ज़ात का तस्करा है अन अख्लुक मिनतीन मैं तुम्हारे लिए गारे से एक चीज़ बनाता हूँ क्या बनाता हूँ कहाई अति तैर परिंदे की शक्ल की तरह की एक शक्ल बनाता हूँ फ़न फ़ु खुफ़ी ही फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ फ़ून व तो वो परिंदा बन जाता है तैर परिंदे को कहते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से वो बनता है परिंदा अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा बन जाता है यानी वो मट्टी से बनाया हुआ परिंदा सचमुच उड़ने लगता है सचमुच उड़ने लगता है अब फिर मुफसरीन के यहाँ ये बात चली कि वो परिंदा था कौन सा वो कौन सा परिंदा था तो मुफसरीन एक नाम फरमाते हैं वो था चमगादड़ चमगादड़ काफ़ी चीज़ों में इंसान के मुशाबे है कभी आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये डार्विन गुजरा है साइंसदान इसी तरह हैगल और हेवन इस किस्म के साइंसदान दुनिया में मौजूद थे किसी ज़माने में ये इंसान के ऊपर तक़ीक करने में बड़े माहिर गुज़रे हैं का नज़रिया आज भी आपके सामने आता है लोग पढ़ते भी हैं और उसके मुताबिक फिर गुमराहियाँ भी फैलाते हैं तो ये लोग तहक़ीक किया करते थे कि इंसान पहले क्या था तो किसी के यहाँ पहले मेंढक था फिर बंदर बना फिर दुम कटी तो इंसान बन गया ये डार्विन का नज़रिया है ना फिर उसके मुकाबले में कुछ पागल और भी उठे वो अफ्रीका और दूसरे मुल्कों के साइंसदान थे वो कहने लगे डार्विन का नज़रिया गलत है इंसान बंदर से बना है ये नज़रिया गलत है नज़रिया असल में ये है कि इंसान चमगादड़ से बना है इंसान कहाँ से बना है चमगादड़ से तो जिस कौम की जिस चीज़ के साथ मुशाहबत पाई जाती है ना जिससे उल्फत और मोहब्बत उसको कायम हो जाती है बस जहाँ उसकी निगाह ठहर जाती है वो कहता है बस यहीं से इसको वजूद मिला है तो सिर्फ़ दुनिया में एक डार्विन का नज़रिया नहीं है और भी बहुत सारे नज़रिया लेकिन सभी बातिल, बातिल हैं अगर एक के नज़रिए को दुरुस्त मानना मान मानना पड़ेगा तो फिर बाक़ियों के नज़रियात का आप क्या करेंगे कोई किसी से इंसान को वजूद देगा कोई किसी चीज़ से देगा भाई इंसान को इंसान रहने दो ये आदम का बेटा है आजकल एक नई बहस भी दुनिया में चल पड़ी है आदम से पहले भी दुनिया में इंसान थे आदम से पहले भी दुनिया में इंसान थे ये नई बहस है आज के ज़माने में ये मैं पहले भी अर्ज किया ना बात ये हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के मुहर्रकात हैं और ये उसके नतज और समरत हैं नई नई तहकीक़ा हर साल मैदान में, में उतरती हैं ज़ाहिर कुछ तो उन्होंने देना है ना कौम को तो वो नई तहकीकत देते हैं तो आदम से पहले भी इंसान थे शायद उनके रिश्तेदार हों जो पहले किसी ज़माने में जहाँ रहे फिर गए अब बेचारे इसको वजूद मिल गया होगा तो ऐसे अफराद भी दुनिया में हैं जिनका अपने पहलों से बड़ा मज़बूत ताल्लुक़ है तो बहरहाल कभी कोई मेंढक से बंदा बनाता है इंसान बनाता है कभी बंदर से बनाता है कभी कोई चमगादड़ से बनाता है तो इंसान को अल्लाह ने इंसान बनाया है जो अल्लाह चमगादड़ से इंसान बना सकता है वो इंसान को वैसे ही इंसान बना सकता है कैसे बेवकूफ़ हो तुम लोग कि चमगादड़ की तख्लीक़ पे तुम्हें रश्क नहीं आता इंसान के बारे में तुम परेशान हो जाते हो कि भी इंसान कैसे बन गया बंदर के बारे में तुम्हें शुभा पैदा नहीं होता कि उसको किसने वजूद दे दिया ऐसा उससे आगे इंसान को वजूद देना तुम्हें समझ में आता है तो अल्लाह डायरेक्ट इंसान को बनाने पर क़ादिर नहीं जिस खुदा ने जमकादड़ को वजूद दिया बंदर को खनज़ीर को बनाया उसी ने इंसान को बनाया है जहाँ लोगों की अकलें मारी जाती हैं ना वहाँ उनको कोई बात फिर समझ में नहीं आती कुरान करीम में ताला ने वाज तौर पर यह बात अरसात फ़रमाई है इंसान मिन मन मिन तीन हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया है तो किसी चमगादड़ से और किसी और बंदर खनज़ीर के मजमू से इंसान को वजूद नहीं मिला इंसान की तख्लीक़ मट्टी से है तो ईसा सलाम मट्टी से चमगादड़ बनाते उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह हुक्म से उड़ती हुई चली जाती अब ये मंजर सारे लोग देखा करते फिर ईसा क्या फरमाते हैं वह उब रियलकम मैं अच्छा करता हूँ मादरजात अंधों को जो माँ के पेट से अंधे पैदा होते हैं मैं उनको दुरुस्त कर देता हूं अक माह मादरजात अंधे को कहा जाता है माँ के पेट से जो अंधा पैदा हुआ जो माँ के पेट से अंधा पैदा होता है ना तिब में आज की जदीद मेडिकल में भी उसका कोई इलाज नहीं वो लाइलाज मर्ज है पैदा ही ऐसे हुआ है मगर सलाम उसकी भी आंखों पे हाथ पेड़ते वो भी देखने लग जाता और ऐसे ही देखता जैसे उसके माँ बाप उसको देखा करते थे या कोई आम आदमी किसी दूसरे इंसान को देखता है। ये नहीं कि उसकी बसारत में कोई फ़र्क था वल अबरस बर्स वालों को भी ठीक कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से ये बर्स किसको कहते हैं बाद हजरात फरमाते हैं ये जो वो इंसान का जिसम मुख्तलिफ़ रंगों का नहीं हो जाता कहीं से सफ़ैद हो गया कहीं से काला हो गया रंग उसका फेड हो गया बचारे का तो ये बर्स की बीमारी है ठीक है और बाजों ने इसका तर्जुमा जुज़ाम की बीमारी के साथ भी किया है जिसमें इंसान के हाथ पाँव की उंगलियाँ नाक वगैरह या जिसम के मुख्तलिफ अज़ा गलने लगते हैं तो ये जुज़ाम की बीमारी है तो बहरहाल जो भी बीमारी हो ईसीम इससे भी लोगों को तंदरुस्ती अता कर दिया करते थे ये जो बर्स की बीमारी है या जुज़ाम की बीमारी है ना ये मेडिकल वाले कहते हैं ये मुतादी बीमारी है यानी एक से दूसरे को लग जाती है एक मरीज़ है तो उससे अगले मरीज़ अगले इंसान में मुंतकिल हो जाती है वो भी मरीज़ हो जाता है यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है बुख़ारी शरीफ के अंदर आता है अल्लाह के नबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़र्र मिनल मजज़ूमी फ़िरा का मिनल असद जुजाम वाले आदमी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है जुजाम वाले आदमी से ऐसे भागो उसे इतना दूर भागो जैसे शेर से इंसान दूर दूर रहता है हाँ अगर किसी आदमी का ईमान इतना मज़बूत हो जैसे नबी का ईमान होता है जैसे कि अल्लाह के, के नबी का ईमान था क्योंकि आप अलैहि वसल्लम ने जुजाम के मरीज़ के साथ बैठकर कर खाना तावल फरमाया है उसको खिलाया भी है ख़ुद खाया भी है तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अपना तर्ज़मल है क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि वो अल्लाह ता, अल्लाह तै किसी भी नबी को मुतादी अमराज में मुबतला नहीं करते जो अमराज एक से आगे मुंतकिल होते हैं ना नबी को वो मर्ज़ नहीं लग सकता और नबी किसी ऐसे मर्ज़ में भी मुबतला नहीं होते कि लोग उस मर्ज़ को कराहत का ज़रिया समझते हों लोग थू थू करते हों कि भाई ये देखो क्या कैसी बीमारी इसको लगी हुई है तो इसलिए नबी के साथ तो खुदा का वादा है ना तो अल्लाह ताला आप अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम जुज़ी आदमी के साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं लेकिन उम्मत को क्या तालीम दी कि इनसे दूर दूर रहो क्योंकि तो मेरे साथ तो वाद खुदाबंदी है तुम्हारे साथ तो नहीं है ना इसलिए ज़रा अपना बचाव भी करो तो बाज लोग बाज़ रिवायात को देखते हैं रिवायात को देखने के बाद कहते हैं कि भाई कोई बीमारी मुतादी नहीं होती कोई बीमारी मुतादी नहीं होती यानी कोई बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती बाद रिवायात ऐसी भी मौजूद हैं मानी को समझना मफाहिम को समझना ज़रूरी होता है कि किस बीमारी की बात हो रही है किस अंदाज में हो रही है ये तो बुखारी के हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए फ़र्रमिनलमज़जूमी फ़िर असद शेर की तरह दूर भागो जैसे शेर से इंसान खौफ खा के दूर दूर रहते हैं ना ऐसे जुजामी आदमी से दूर रहो कहीं तुम बिना बीमार हो जाना मसला ये है कि जब बीमार हो जाओगे कहोगे कि भाई इसकी बीमारी मुझे लगी इसकी वजह से मैं बीमार हो गया हालांकि वो बीमारी तुम्हें अल्लाह ने दी है उसने नहीं दी अल्लाह ना चाहते तो तुम बीमार हो सकते थे नहीं हो सकते थे ना तो बीमारी उसने नहीं दी लेकिन तुम उसके ऊपर जुमले कसोगे हालांकि वो मुसलमान है हालांकि वो भी बंदा है उसके वो भी बीमारी में ख़ुद मुबतला नहीं हुआ अल्लाह ने किया है तो जब तुम्हें बीमारी लगेगी तुम क्या कहोगे कभी उसकी वजह से नबी कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे फुलां की वजह से बीमारी लगी जब भी बीमार होंगे अल्लाह की तरफ उनका जहन जाएगा कि भाई अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया अल्लाह आप तो शिफा भी दे दे तो इंसान का ईमान तो इतना नहीं जिसका इतना मजबूत ईमान हो वो चला जाए जिसके पास जाना हो उसने लेकिन बाद में बीमार होकर फिर बातें नहीं करनी भाई अगर इतना कम इतना कमज़ोर ईमान है इतना मज़बूत ईमान नहीं है तो फिर आप ऐसा ना करें हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई जिस आदमी ने क़ुरआन याद किया फिर उसको भूल गया क़ुरआन याद किया फिर उसको भूल गया उसको गया। कयामत वाले दिन जुजामी करके उठाया जाएगा जुज़ाम की हालत में जुजाम की हाल में उसकी उंगलियां कट कट के जिसम कट कट के गल गल के गिर रहा है इसलिए ये बात जहन में रखें हर बच्चे को हिफज नहीं करवाया जाता ये हमारे यहाँ बाज़ चीज़ें बस दिमाग में बैठ जाती हैं वालदेन के दिमाग में जो चीज़ बैठ गई बस वैसे ही चलना है मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा बेशक उसको इस पेशे से या इस इल्म से बहुत सारी नफ़रत ही क्यों ना हो लेकिन मजबूरी होती है वालदे ने कहा है पढ़ नहीं पढ़ना है और कुछ बन ही नहीं सकते बस यही बनना है तो बादों को ये मसला होता है भी हमारे लिए ये ख़ी आख़रत बने तो हमने इसको हाँ हिफ़त ज़रूर कराना है अब सिर्फ़ हाफिज़ बन जाने से वो ख़ीर आख़रत नहीं बन जाता बाद में उसका हिफ़्त बचाना भी ज़रूरी हो जाता है अब वो आपके कहने पर हिफज तो कर ले बाद में वो अपने हाफजे की बुनियाद पर उसको याद ना रख सके तो फिर अब किसके ज़िम्मे चीज़ लाजिम आएगी अब कौन इसका खमियाज़ा भुगतेगा वो खुद भी गुनागार होगा आपको भी गुनागार करेगा इसलिए कि कुरान करीम याद करके भूल जाना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है इसलिए पहले बच्चों के जहन को परखना ज़रूरी है कि वो बच्चा कुरान करीम को हिफज करने के बाद याद रख के महफूज कर भी सकता है कि नहीं कर सकता उसके पास इतनी सलाहियत है कि नहीं है जिसके पास सलाहियत मौजूद हो उसको लगाओ इस पर और जिसमें इतनी सलाहियत मौजूद ना हो उसको ना लगाओ इन कामों में उसको कुरान करीम इतना याद करवाओ जितना कि नमाज़ों में पढ़ा जाना ज़रूरी है बेहतरीन अंदाज में उतना कुरान करीम याद करा दो बस यही काफ़ी है बाकी उसको दीन का इलम पढ़ाओ कुरान करीम तर्जुमे से पढ़ाओ अहादीस पढ़ाओ ताकि वो दीन के मुताबिक मसाइल का इलम दो उसको ताकि वो दीन के मुताबिक अमल कर सके हर बच्चे को क़ुरान करीम याद करवाना कोई ज़रूरी बात भी नहीं है ठीक है तो ये बात भी समझनी है तो मैं बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा था ईसा सलाम के हवाले से वो बीमारियों का इलाज किया करते थे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह के करम से करते थे ईमान की शर्त के साथ किया करते थे ईमान की शर्त के साथ किया करते थे वो ऐसे कि बीमार से हजरत सलाम फरमाते कि भाई देखो भाई ठीक तुम्हें अल्लाह ने करना है मेरा काम है हाथ फेरना बाकी ठीक करना मेरे ज़िम्मे नहीं है ये अल्लाह का काम है लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो अगर तुम्हें शिफा मिल गई मिसाल के तौर तो पर तुम्हें आंखें मिल गईं तो तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे मोमिन हो जाओगे तो वो कहता हैं हाँ मैं ईमान ले आऊँगा तो तब हज़रत सलाम फिर उस पे हाथ फेरते तो उसको या आंखें मिल जाती या उसको बीमारियों से शिफा मिल जाती तफसीर जलालैन में लिखा है तकरीबन पचास हज़ार ऐसे थे जो हज़रत ईसी के हाथ लगने से शिफा याब हुए पचास हजार अफरा छोटी तादाद नहीं है फिर हज़रत ईसी क्या फरमाते हैं वोताबी इजनिल्ला मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा भी कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से जो मर चुके हैं उनको ज़िंदा भी कर देता हूँ इस मकाम पर मुफसरीन ने लिखा है कि सलाम ने चार मुर्दों को ज़िंदा किया था अब मैंने एक बात आपके सामने अर्ज़ की थी पिछले पारे में भी मैंने कहा था मैं दोबारा आपके सामने ये बात अर्ज़ करूँगा पिछले पारे में भी तजकर था मुर्दे के ज़िंदा होने का था कि नहीं था जब बनी इसराइल का वो आदमी जिसके साथ गाय का उजुब लगाया गया हिस्सा लगाया तो वो बोला कि नहीं बोला कभी मुझे फ़लाने क़त्ल किया है तो मैंने कहा था कि कभी अल्लाह का कुरान कहता है कि इस दुनिया में दुनिया से इंसान चले जाए तो वापस आके बता सकता है बोल सकता है ज़िंदा हो जाता है तो अगर ये बात शेख हदीस मौलाना जकरिया कांधुल्वी रहमु फजायल अमाल में लिख दें तो वहाँ शिरक हो जाता है यहाँ कैसे ईमान रहता है ज़रा इसकी कोई वज़ाहत तो करे शाहदीज मौलाना ज़क़रिया रहमुल्ला मुशरिक बन जाते हैं कि अगर वो फ़जाइल अमाल में लिख दें तो कुरान के ऊपर क्या फतवा लगाओगे ये तो दूसरा पारा आ गया है और ये हर पारे में आयात आएँगी मैं आपको बताऊँगा कि किस किस पारे में क्या क्या तस्करा आता है पहले पारे में भी तस्करा पढ़ लिया ये दूसरे पारे में ईसा सलाम फ़रमाते हैं ओह मऊता बी इज़न मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ तो जो मर गया था इस दुनिया में जा चुका है इस दुनिया से सलाम की वजह से वो दोबारा जिंदा हुआ कि नहीं हुआ अब सुने मुफसरीन फरमाते हैं चार मुर्दों को ज़िंदा किया एक हजरत नू आ सलाम का बेटा शाम था रज नू आ सलाम के चार बेटे थे हाम साम याफिस और कनान ये जो साम है ये हालत कुफर में मरा है बाकी जो थे वो मुसलमान थे बाकी तीनों मुसलमान थे अरे सलाम के बारे में एक ही लोगों का कॉन्सेप्ट है कि उनका बेटा वो हालत कुफर में दुनिया से नहीं उनके चार बेटे थे तीन ईमान वाले थे एक बेईमान था तो ये जो बेईमान था हजरत ईसी ने इसको जिंदा किया शाम को जिंदा किया वो कुछ मुद्दत जिंदा रहा फिर फोत हो गया इसको जिंदा किया गया अब फिर इसमें मुफसरीन की तफसीलात आती हैं कि वो जिंदा होने के बाद उसने ईमान कबूल किया या नहीं किया बहरहाल वो एक लंबी बात है दूसरा बंदा था आज आयन अलिफा और रा से रा के बाद जो जा आती है वो वलीजा आज ये यह सलाम का दोस्त था अल्लाह के हुक्म से सलाम ने इसको भी जिंदा किया ये भी काफ़ी देर तक ज़मीन के ऊपर फिर जिंदा रहा इसने फिर शादी भी की इसकी औलाद भी हुई औलाद भी हुई इसकी तो ये दूसरा आदमी है फिर एक बूढ़ी औरत थी उसका एक बेटा था उसके दुनिया से चले जाने की वजह से बड़ी गमज़दा रहती थी इस साले सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसके बच्चे को भी ज़िंदा किया वो भी बड़ी देर तक ज़िंदा रहा उसकी आगे नस्ल भी चली औलाद पैदा हुई उसकी आगे मज़ीद औलाद हुई चौथा एक आदमी था जिसका नाम था आशिर मुलाजिम पेशा बंदा था उसकी बेटी फोतोगी बेचारा बड़ा गमगीन रहता था तो उसने हजरत ईसा सलाम से गुजारिश की कि मेरी उस बेटी को जिंदा कर दें तो ईसा आल्लाम ने उसकी बेटी को जिंदा किया तो ये चार अफराद का तस्कर आता है रिवायात के अंदर जिनको ईसा आसमाम ने इसी दुनिया में मर जाने के बाद दोबारा जिंदा किया समझ आ गई है बात अब यहाँ भी अल्लाह ने जिंदा किया है मौलाना जख्रिया कांदल भी रहमुल्ला भी यही फरमाते हैं भाई अल्लाह ने ज़िंदा किया है उन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई मैंने उनको जाके फूंक मारी है वो उठ गए वहाँ भी अल्लाह ने ज़िंदा किया है तो शिर कैसे बनता है अल्लाह ताला कभी कभी खर के आदत आदत से हटकर उमूर सर अंजाम देते हैं अपनी कुदरत कामिला दिखलाने के लिए कुदरत कामिला दिखलाने और समझाने के लिए ये मामला होता है इसका यह मतलब नहीं होता कि आपने अगर आदतुल्ला यही है कि दुनिया में मर जाने के बाद अल्लाह इस जहान में बंदे को वापस नहीं भेजते आदतुल्ला यही है लेकिन अगर कोई वापस आ जाए या अल्लाह ताला किसी के लिए फैसला फरमा दें या कोई मुजजा हो जाए तो हम उसको तस्लीम करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला कादिर हैं इस चीज़ पे अल्लाह का फेल है ना हमने ये तो नहीं कहा कि किसी बाबे ने ज़िंदा किया है अब ईसा सलाम ने ज़िंदा किया अल्लाह के हुक्म से किया है इसमें इस सलाम का तो कोई अमल दखल नहीं सिर्फ इतनी सी बात है कि उनकी नबूवत की ये निशानी है दलील है उनका मुआवजा है काम तो ये अल्लाह का है वनबी उकुम बी माता मैं तुम्हें बता देता हूँ जो चीज़ तुम खाते हो खा के जो कुछ आए हो ना मेरे पास मुझे पता है तुमने क्या खाया है वमा तद्दा ख़िरू नफ़ी बुती कुम जो तुमने अपने घरों के अंदर बचा के रखा हुआ है ज़ख़ीरा किया हुआ है मुझे वो भी पता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये ख़बरें बनी इसराइल को देते हैं कि तू फलां चीज़ खा के आया है तूने उन्हें फ़लां चीज़ घर में रखी हुई है फलां कोने में ये चीज़ पड़ी हुई है अब ये सारी की सारी ख़बरें मुजजे के तौर पर हैं और खास तौर पर बनी इसराइल के लिए हैं क्योंकि वहाँ और भी कौमियाबात थी लेकिन हजरत ईसा सलाम चूँकि बनी इसराइल के लिए रसूल बना के भेजेंगे इसलिए इन सारी की सारी चीज़ों का ताल्लुक भी बनी इसराइल के साथ था इसीलिए इंजील मती इंजील की जो एक किस्म दुनिया में पाई जाती है ना उसमें ये बात लिखी हुई है कि हज़रत ईसी अपने हवारीयों को अपने शागिर्दों को दर्श दे रहे थे कि एक औरत आई आगे कहने लगी मुझे भी आपका फ़ैज़ चाहिए मैंने भी आपसे फैज़ हासिल करना है तो ईसी ने कहा भी तेरा किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है कहने लगी कनान के ख़ानदान से हूँ कनान के ख़ानदान से हूँ तो ये बनी इसराइल से अलग एक ख़ानदान है तो ईसारे सराब ने फरमाया मेरा फैज तेरे लिए नहीं है मेरा फैज तेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे फैज से सिर्फ बनी इसराइल मुस्तफ़ी हो सकते हैं तुम मेरी क्लास में बैठ ही नहीं सकती वो औरत भी बड़ी ज़िद्दी थी कहने लगी नहीं नहीं भाई मैंने तो बैठना ही बैठना है मैं तो पढ़ना ही पढ़ना है तो शागिर्दों ने कहाज इससे जान छुड़ाओ तो ईसा सलाम ने उसको बड़े अच्छे तरीके से कहा कि भाई मेरा फैज़ तुम्हारे लिए नहीं है मैं तो सिर्फ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ ये इंजीले मती के अल्फाज हैं उर्दू तर्जमे वाली समझ आ रही है उर्दू तर्जमे वाली उसके अल्फाज हैं फिर उसमें आगे एक और जुमला भी है भी अर्ज कर देता हूँ फरमाने लगे लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छी बात नहीं ये इन मती के अल्फाज हैं मेरे नहीं हैं इसलिए मैं इसकी ना मैं ये कहूँगा कि निसार सलाम ने यह कहे और ना मैं ये कहूँगा कि ये नहीं है क्योंकि तो मेरे लम्बी बात नहीं है यानी घर के बच्चों के लिए ज़रूरत के मुताबिक जो खाना तैयार किया है वो कुत्तों को नहीं डालना चाहिए वो बच्चों को ही देना चाहिए मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरा वक़्त बनी इसराइल वालों के लिए है तुम्हारे लिए नहीं है मैं तुम्हारे ऊपर अपना वक्त नहीं लगा सकता तो ईसा सलाम की नबूवत सिर्फ़ बनी इसराइल के लिए है अब जब क़यामत से पहले आएंगे तो वसफ नबूवत के साथ आएंगे क्योंकि नबूवत तो छीनी नहीं जाती ना वापस नहीं ली जाती मगर आएंगे उम्मती होने की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरनेल और बावफ़ा कमांडर की हैसियत से इस्लाम को नाफिज़ करेंगे जिस इलाक़े में हज़रत ईसा होंगे वहाँ इस्लाम के बग़ैर दुनिया का कोई और मज़हब नहीं चल सकेगा सिर्फ और सिर्फ़ वहाँ इस्लाम ही रहेगा इसके अलावा कोई और दीन वहाँ पर बाकी नहीं रह सकेगा ये हज़रत ईसा की परेशान होगी तो बहरहाल इन नफ़ीज़ाली कल आयातुम इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं इन कन तुम मोमिन अगर तुम ईमान वाले हो अगर तो तुम्हें ईमान का कोई तुम्हारे अंदर ईमान की रमक बाकी है तुमने ईमान का मज़ा चखा हुआ है तो तुम्हारे लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं बड़ी सोचने की बातें हैं बड़ी समझने की बातें हैं लेकिन जिसके पास ईमान नहीं तो वो क्या सोचेगा क्या समझेगा यानी इतने मौजे दिखा दिए इतने काम तुम्हारे कर दिए इतने अफराद को शिफा दे दी पचास हजार के से जायद अफराद छोटी तादाद नहीं मजमा लगाओ, पचास हजार का पता चलता है भी इतनी बड़ी तादाद अब भी कोई ईमान ना लाए तो जिद का फिर दुनिया में कोई इलाज नहीं होता यहूदी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते थे कहते हमारे दीन का यह मुखालिफ है क्योंकि यहूदियों ने दीन की शक्ल बिगाड़ी हुई थी मसख करके उन्होंने दीन को रखा हुआ था ईसा सलाम उसकी असलाह करते थे कि नहीं यार ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है जिस तरह आज कल बिदती लोगों ने दीन का हलिया बिगाड़ के रखा हुआ है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सहाबा वाला दीन आज हम बयान करें या कोई भी साल आलिम दीन का इलम रखने वाला फ़र्द वो जब बयान करे कि भाई ताबैन का तो ये तर्ज़म था तबा तबैन का यह तर्ज़मल था सहाबाबा का यह तर्ज़मल था नबूत का ये तर्ज अमल था तो अब वो क्या कहते हैं भाई ये हमारा दुश्मन है ये हमारा मुखालिफ है तो मुखालिफ हम तुम्हारे नहीं हैं तुम दीन के मुखालिफ हो जुमला दुरुस्त करो अपना हम तुम्हारे मुखालफ नहीं हैं तुम दिन के मुखालिफ हो का जुमले भी दुरुस्त करने वाले होते लोग कहते हैं फुलां का हमसे ये इख्तलाफ है ये जुमला दुरुस्त है फुला का हमसे लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमारा फलां से ये झगड़ा है हमारी फलां से ये लड़ाई हमारी किसी से लड़ाई नहीं है हमारा किसी से झगड़ा नहीं है उनकी हमसे लड़ाई है उनका हमसे झगड़ा है क्योंकि जो सही दीन है वो तो वही वाला है जो सहाबा और तबइन के पास था जो चलता चला आज उस दीन से जिसको इख्तिलाफ है तो उसने दीन से इख्तिलाफ किया है उसने झगड़ा किया हमने तो नहीं किया हमने तो बस ये देखना भाई हम उस दीन पे कायम हैं कि नहीं हैं अगर हम उस दीन पे कायम हैं तो लोग अपनी असलाह करें भाई हमारी ना करें दीन की असलाह ना करें अपनी सलाह करें आज लोग कैंसी लेकर दीन के पीछे पड़ जाते हैं ये चीज़ काट दो ये चीज़ काट दो यहाँ से काट दो यहाँ से काट दो अब वो परिंदे की आपने सारी चीज़ें काट दी उसके पर काट दिए नाखून काट दिए चूँच काट दिए आप कहते भी खाओ उड़ो भागो अब वो ना भाग सकता है ना उड़ सकता है ना खा सकता है ये दीन की हालत की हुई है तो ईसा सलाम भी जब असली दीन पेश करते तो यहूदी कहते ये हमारे दीन का मुखालब है हालांकि ईसा सलाम तो दीन के मुखालिफ नहीं थे ना तो ईसा सलाम ने उनके इस शुभ को दूर भी किया जिसका कुरानी करीम में तस्करा है वह मुसदीमा बई यदैया और भाई मैं तो उस चीज की तस्दीक करने वाला हूँ जो तुम्हारे पास मौजूद है जिस तौरात के तुम अलंबरदार हो मैं उस तौरात का मानने वाला हूँ तो मुझे क्यों कहते हो भी दीन का दुश्मन है मिनत तौरात तौरात में से यानी मैं तौरात का झुठलाने वाला नहीं हूँ तस्दीक करने वाला हूँ मुसद कल्ली बैना याद मेरा तो असल मज़हब ही तौरात है तुमने तौरात की तालीमात को बदला है मैं तो उसकी दुरुस्तगी करने के लिए आया हूँ तो यूं सलाम की मुखालफत चलती थी हजरत सलाम की मुखालफत का उनको एक और भी मौका मिला हुआ था आठवें पारे में उसका तस्करा आएगा आपके सामने कि यहूद की सरकशी और राफ़रमानी की वजह से अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें उनके ऊपर हराम करार दे दी मिसाल के तौर पर ऊंट उनके ऊपर हराम हो गया बतख उनके लिए हराम हो गई मुर्ग उन पर हराम था मुर्ग का भी आजकल बड़ा तस्करा चल रहा है ना सहरीों में लोगों को खिलाए जाते हैं तो वो उनके लिए वो भी हराम था अल्लाह अकबर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वहाँ जो बात इरशाद फरमाई है ना वो ये है ज़ाली का जजैना हम बेब यिम ये सज़ा जो हमने उनको दी है ना ये उनकी शरारतों की वजह से है वो जो उल्टे काम करते हो उसकी वजह से हमने दिए तुम्हारे ऊपर चीज़ें हराम की लेकिन ये चीज़ें हजरत ईसा सलाम पर अल्लाह ताला ने हलाल फरमा दी अब यहूदियों को बहाना मिल गया देखो जी ये चीज़ें तो तौरात की तालीमात के मुताबिक हराम थीं और ये कहता है हैं फिर ये कहता है कि अभी मैं दीन तौरात को यानी तौरात के दीन को मानने वाला भी हूँ तौरात की तालीमात को अपनाने वाला भी हूँ बहुत बड़ा इतराज़ था ना कि वैसे तुम कहते हो हम तो रात को पढ़ने वाले मानने वाले हैं लेकिन तो रात में तो ये बात नहीं है जो तुम कर रहे हो तो यहूदियों ने इस पर एहताज भी किया कि हमारे दीन को बिगाड़ रहा है हराम को हलाल बनाया हुआ है मुजाहरे भी किए कि भाई इस आदमी को रोको इसको सूली पे लटकाओ ये हमारे बड़ों की तालीम की मुखालफत करता है तो उस वक्त रूमियों की हुकूमत थी शाम का गवर्नर था हेरोड, उसने अपनी हुकूमत को इतला किया मुतले किया अगली आयात के अंदर ये बातें आपके सामने आएंगी जब उन्होंने बोझ शोर डाला ना कि ईसा सलाम को सूली पर चढ़ाओ तो फिर उसने प्रोग्राम बनाया तो अल्लाह ताला ने उनके सारे मंसूबों को ख़ाक में मिला दिया और सलाम को अपने पास आसमान पर उठा लिया तो बहरहाल यहाँ ने जो तो तस्करा किया है वो ये है वलकुम बामाकुम बा चीज़ें तुम्हारे ऊपर हराम थीं हमें पता है कि हराम थी हम ही ने की थी अब हम वो ईसा सलाम के ज़रिए कुछ चीज़ें तुम्हारे ऊपर हलाल कर रहे हैं वो हराम तुम्हारी सरकशी की वजह से की थी तुम्हारी नाफ़रमानी की वजह से की थी अब अल्लाह ताला ने ईसा नेीसीम को भेजा तो तलीमत ईसवी में वो चीज़ें हलाल हैं इतराज की क्या बात है जिस अल्लाह ने हराम की उसी अल्लाह ने हलाल की मखलूक वो अल्लाह की हराम करने वाले भी अल्लाह हलाल करने वाले भी अल्लाह तो ईसा सलाम फरमा अल्लाह ताला ने बास चीजें मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर हलाल कर दी वजी तो कुम भी आयतम मे रबी कुम और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानब से निशानी भी लेकर आया हूं बगैर निशानी के नहीं आया फत तो तुम अल्लाह से डरो यार अल्लाह से डरो वह अति और मेरी इतात करो ये जो ईसा सलाम के मौजाद का मैंने तस्करा किया ना ये अमूमी तौर पर इंसान से चीजें नहीं होती कि मट्टी का परिंदा बना के इंसान किसी को उड़ा दे कर सकता है ऐसे मुर्दे को इंसान जिंदा कर दे अंधे को बीना कर दे तो ईसा सलाम का यहाँ ये भी मकसूद है इन अल्लाह व रब्बुकुम फ़ाबुदु आगे ये बात बयान कर रहे हैं ना यार ये सारी चीज़ें देखकर मुझे खुदा ना समझ लेना ये अजीब गरीब किस्म के मामला जो मेरी मेरे मेरे हाथ से सादिर हो रहे हैं और इनकी वजह से गुमराहना हो जाना मुझे रब ना समझ लेना मेरा रब अल्लाह है जो तुम्हारा भी रब है ये तो मौजे हैं जो अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से सादिर करवाए हैं ये रुबूबियत नहीं है फा तुम भी अल्लाह की इबादत करो मैंने भी उसी की इबादत करनी है हाजा मुस्तकीम यही सीधा रास्ता है इबादत हमने अल्लाह की करनी है बाकी ये अल्लाह ने मेरे हाथ से निशानियाँ जाहिर करवाई हैं अब जो आदमी ईसा सलाम के मुजज़ा को मौजा तस्लीम करते हुए उनको नबी और रसूल तस्लीम करते हुए की इबादत करता है लेकिन ईसा को नबी और रसूल मानता है तो ये सीधे रास्ते पर है ईसा को नबी और रसूल भी मानता है उनके मोजात भी तस्लीम करता है मौजे को मौजा कहता है ईसा को खुदा नहीं कहता इबादत अल्लाह की करता है रसालत हजरत ईसा की तस्लीम कर जैसे कि मुसलमान तस्लीम करते हैं तो मुसलमान क्या हैं आजा सिरतमस्म सरात मस्तकीीम के ऊपर हैं सीधे रास्ते के ऊपर हैं यही सीधा रास्ता है कि ईसा सलाम के मोज़ात को मौजा तस्लीम करते हुए उनकी नबोवत और रिसालत को उस मुजज़े को उसकी दलील समझते हुए उनको अल्लाह का बंदा समझते हुए हमने भी अल्लाह की इबादत करनी है और ये यही नज़रिया रखना है कि ईसा आसलम भी अल्लाह की इबादत किया करते थे तो हमारे नज़रियात फिर बिल्कुल दुरुस्त हैं हम सरत मुस्तकीम वाले हैं और ये सरत मुस्तकीम अब सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम के पास है किसी और मज़हब के पास नहीं क्योंकि कोई और मज़हब सीधे रास्ते पर नहीं है किसी और मज़हब की तालीमात दुरुस्त नहीं है ये नज़रिया भी इस्लाम ने ईसी सलाम के मुतालिक दुरुस्त करके दिया है तो सरात मस्तकीम किसके पास हुई इस्लाम वालों के पास तो मुसलमान ही असल में सिरात मुस्तकीम वाले हैं मुसलमान ही असल में दीन इस्लाम वाले हैं और असल में तालीमात इलाहिया के पैरोकार यही मुसलमान हैं ठीक है तो ये आज की कुछ गुजारिशा थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं अल्लाह ताला हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए किसी का कोई सवाल है तो अर्ज़ कर दें